हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो होने वाली है गाइस लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंसिल इरेजर पेन पेंसिल गाइस। और आज गाइस हमारे पास तरह तरह के शार्पनर और तरह तरह के इरेजर और तरह तरह के पेन और पेंसिल गाइस। और आज की वीडियो देखने में ना आपको 100% मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और वीडियो छिलना लगे ना दोस्तों तो लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को डिसलाइक कर देना। और कोई भी यूट्यूबर आपको डिसलाइक के लिए नहीं बोलता, सारे यूट्यूबर बोलते लाइक करो हमारी वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक करो। बट तुम्हारा भाई बोलता अगर वीडियो अच्छी ना लगे ना तो वीडियो को डिसलाइक कर दिया करो गाइस। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्तों, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन लोगों को थैंक यू सो मच बिग फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास ये छाते वाला पेन दोस्तों, काफी सुंदर है और ये छाते लुक में है दोस्तों। और देख सकते हो दोस्तों आगे का ढक्कन हटाएंगे और फिर पेन को यूज कर सकते हैं दोस्तों हम। ये देखो पेन काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। और इस छाते वाले पेन को मैंने केवल 10 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। लुक बिल्कुल छाते वाला है, काफी गजब सा पेन है। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी प्यारा और काफी छोटा सा ये बंदर। और ये बंदर नहीं है दोस्तों, ये है एक बंदर वाला शार्पनर। देखो दोस्तों काफी गजब है, यहाँ पे एक होल मिलता है दोस्तों। और इस होल में दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। मैं अंदर से दिखाता हूँ खोल के, ये शार्पनर है या कुछ और। देखो दोस्तों ये शार्पनर है, बंदर वाला शार्पनर है, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। केवल मैंने 10 रुपीज का परचेज किया इस शार्पनर को। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये कुकीज, ये बट कुकीज नहीं है दोस्तों, ये है एक इरेजर बॉक्स दोस्तों। और ये कुकीज लुक में दिखाता हूँ दोस्तों ये कैसे है, निकालता हूँ बॉक्स से और सारी चीजें दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों इसमें मिलती है हमें 1 2 3 4 5 6 कुकीज मिलती है। इसे मैंने 20 रुपीज का परचेज किया है, बिल्कुल लुक कुकीज वाला, बट ये कुकीज नहीं है दोस्तों, ये है इरेजर। ये देखो काफी गजब, काफी सुंदर सा। और इन कुकीज में खुशबू भी काफी जबरदस्त आ रही है। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ये यूनिकॉर्न का कैमरे वाला शार्पनर दोस्तों, काफी गजब है। केवल मैंने 10 रुपीज का परचेज किया है। और इस कैमरे में गाइस हमें 2 शार्पनर मिलते हैं, छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर। मैं ओपन करके भी दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखो 2 शार्पनर मिलते हैं, काफी प्यारे शार्पनर, लुक भी काफी अच्छा और काफी अमेजिंग। और यूनिकॉर्न का ये शार्पनर है दोस्तों, काफी अच्छा सा। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये पेंसिल, और पेंसिल है गाइस ये मिरर वाला पेंसिल दोस्तों। ये देख सकते हो मिरर भी मिल जाता है दोस्तों इस पेंसिल में। और ये पुश एंड बैक वाली पेंसिल है, देखो दोस्तों पुश एंड बैक वाली पेंसिल है, देख सकते हो। एक पेंसिल खत्म हो जाएगी फिर इसे निकाल के पीछे लगा देंगे, फिर दूसरी पेंसिल यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये मिरर वाली पेंसिल थी और इसे मैंने 15 रुपीज का परचेज किया। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी बड़ा एक शार्पनर, और ये है कार लुक में दोस्तों शार्पनर। इसे मैंने 200 रुपीज का परचेज किया और देख सकते हो दोस्तों काफी गजब है और काफी बड़ा शार्पनर है। और दोस्तों हम पेंसिल कैसे शार्प करेंगे, तो पेंसिल उठा लेते हैं, एक पेंसिल उठा ली और इसके नाक के अंदर घुसा देंगे। अभी तो पेंसिल सेट नहीं हुई तो सेट कैसे होगी, इसके मिरर को ऊपर करेंगे दोस्तों और पेंसिल घुसा देंगे दोस्तों। ये देखो पेंसिल घुस गई और पेंसिल बिल्कुल अच्छे से लॉक भी हो गई है। और फिर इसे इस हैंडल को घुमाएंगे, पेंसिल ऑटोमेटिक शार्प होने लगेगी दोस्तों। दोस्तों सारा कूड़ा कहां गया, सारा कूड़ा आ गया गाइस हमारे इस ट्रे के अंदर। ये देखो दोस्तों सारा कूड़ा इसमें आ गया। और पेंसिल देखो दोस्तों कितनी गजब की शार्प हो गई होगी। चलो मैं दिखाता हूं पेंसिल निकाल के, तो पेंसिल देखो दोस्तों कितनी गजब शार्प हो गई है, तो काफी गजब है। 200 रुपीज का ये कार वाला शार्पनर परचेज किया है। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों बर्गर वाला पेंसिल दोस्तों, ये बर्गर लुक में, और ये बर्गर नहीं है दोस्तों, ये है इरेजर गाइस, और ये है पेंसिल, और ये BTS की पेंसिल है दोस्तों, काफी गजब है दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो इस साइड पे, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का ये पेन दोस्तों। ये देखो यूनिकॉर्न का है, काफी प्यारा सा है। और इसके पीछे वाले पार्ट नहीं निकालेंगे, इसके आगे वाले पार्ट को निकालेंगे फिर पेन को यूज करेंगे। देखो दोस्तों काफी गजब है और लुक देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है, कितना प्यारा है। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये फ्लावर वाला शार्पनर। देखो दोस्तों ये फ्लावर वाला शार्पनर काफी प्यारा सा, काफी अमेजिंग है। और ये शार्पनर कैसे यूज करेंगे, यहाँ होल मिलता है फिर पेंसिल को शार्प कर लेंगे दोस्तों। तो चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास स्कूटर दोस्तों, एक छोटा स्कूटर है। और ये स्कूटर नहीं है दोस्तों, ये भी है एक शार्पनर, नीचे हमें एक होल मिलता है और फिर पेंसिल को शार्प कर लेंगे। केवल मैंने 10 रुपीज का परचेज किया दोस्तों इस स्कूटर वाले शार्पनर को। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट शार्पनर दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास
जंबो स्कूटर शार्पनर दोस्तों, ये डोरेमोन का शार्पनर है दोस्तों, और ये देखो कितना गजब, कितना अमेजिंग है। और इसका ट्रे देखो दोस्तों, कितना बड़ा ट्रे है दोस्तों, जो भी कूड़ा इसके अंदर आएगा ना वो ट्रे देखो, ये देखो दोस्तों कितना बड़ा ट्रे है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। डोरेमोन का ये शार्पनर है, और इस होल में दोस्तों हम पेंसिल को घुसाएंगे और फिर पेंसिल शार्प करेंगे दोस्तों इस तरह से। और कलर देखो दोस्तों, येलो और ब्लू कलर का ये शार्पनर है, काफी प्यारा। और इसे भी गाइस मैंने 200 रुपीज का परचेज किया। आपको कार वाला शार्पनर ज्यादा अच्छा लगा या स्कूटर वाला शार्पनर ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो सारे नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये वॉच, और ये वॉच नहीं है दोस्तों, ये है गाइस एक अलार्म घड़ी शार्पनर दोस्तों, काफी प्यारा है, काफी अमेजिंग है। और इसमें भी दोस्तों हमें दो दो शार्पनर मिल जाते हैं, इसे केवल मैंने 20 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। फिर साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये शूज वाला शार्पनर, ये देखो दोस्तों शूज वाला शार्पनर है, काफी प्यारा है, काफी अमेजिंग। और इसके पीछे दोस्तों हमें होल मिलता है, और ये दोस्तों काफी प्यारा सा शार्पनर है। चलो इसे रखते हैं, और इसे मैंने 10 रुपीज का परचेज किया है। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ग्लिटर वाला यूनिकॉर्न पेन दोस्तों, काफी प्यारा सा यूनिकॉर्न भी बना हुआ है पीछे, और इसके अंदर ग्लिटर मिल जाता है जिसके साथ हम अपना टाइम पास कर सकते हैं, काफी अमेजिंग है। और ये पेन भी मिल जाता है दोस्तों इसके अंदर, काफी प्यारा, और इसे मैंने 30 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का 10 रिफिल वाला पेन दोस्तों, ये ब्लू कलर का है दोस्तों, काफी अमेजिंग है, काफी प्यारा, इसमें 10 रिफिल मिल जाते हैं, सारे कलर अलग अलग है दोस्तों, यानी सारे रिफिल बिल्कुल अलग अलग और यूनिक है दोस्तों। एक कलर चला के दिखाता हूँ दोस्तों आपको, तो ये देखो पेन कितना गजब चल रहा है, ये रेड कलर, ये पिंक कलर है दोस्तों, ये पिंक कलर देखो कितना गजब चल रहा है, और पिंक कलर तो हमें किसी भी पेन में नहीं मिलता है। चलो इस साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये तलवार, और ये तलवार नहीं है दोस्तों, ये भी है एक पेन, ये देखो दोस्तों पेन पूरा ही निकल गया दोस्तों, तो इसे हम दोबारा इसे अटैच कर लेंगे और ये ढक्कन को ओपन करेंगे, ये पेन यूज कर सकते हैं। और तलवार नहीं है दोस्तों, ये है चक्कू, चक्कू वाला पेन हमारे पास। चलो साइड रखते हैं। नेक्स्ट, तो इसे भी मैंने 10 रुपीज का परचेज किया है। नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये फैन वाला शार्पनर दोस्तों, ये देखो फैन भी मिल जाता है, शार्पनर मिल जाता है, पीछे हमें दो बटन मिलते हैं, यानी एक बटन से दो वर्क होते हैं, तो एक थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो लाइट जलने लगेगी शार्पनर में, और थोड़ा और ऊपर करेंगे तो फैन चलने लगेगा। ये देखो खाना कितना अमेजिंग है, आहा मजा आ रहा है, गर्मी लग रही है, आहा मजा ही आ गया, काफी तेज फैन मिल जाता है दोस्तों हमें इसके अंदर, इसे बंद कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात है हम इस शार्पनर को चार्ज भी कर सकते हैं। चलो इसी साइड रखते हैं। नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये क्या है गाइस, हमारे पास है एक टोस्टेड ब्रेड वाले इरेजर, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग है, और ये रियलिस्टिक लग रहे हैं दोस्तों ये इरेजर, और ऐसा लग रहा है दोस्तों ये ब्रेड है, बट ये ब्रेड नहीं है दोस्तों, ये है इरेजर, क्वालिटी का भी जबरदस्त, केवल मैंने 10 रुपीज का परचेज किया। चार ब्रेड आते हैं, यानी चार इरेजर आते हैं सेट के अंदर। चलो इस साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फ्लावर वाला पैन, ये देखो दोस्तों फ्लावर वाला पैन काफी अमेजिंग, देख सकते हो दोस्तों कितना गजब लग रहा है, ढक्कन को इस तरह खोलेंगे दोस्तों और फिर यूज कर सकते हैं हम इस पेन को, काफी प्यारा है गाइस, इसे भी मैंने 10 रुपीज का परचेज किया है। चलो साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास कोका कोला वाली एक पेंसिल दोस्तों, ये BTS थीम के ऊपर बेस है, काफी प्यारे कोका कोला वाली पेंसिल है, कोका कोला इरेजर मिल जाती है और अंदर हमें पेंसिल मिल जाती है, ढक्कन के ऊपर गाइस हमें इरेजर और अंदर पेंसिल मिल जाती है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये मछली वाली कलरफुल पेन दोस्तों, देख सकते हो कितनी गजब, कितनी अमेजिंग है, चल भी काफी रहा है, सुंदर देखो कितना सुंदर लग रहा है ये पेन, और ये 30 रुपीज का परचेज किया है। चलो इस साइड रखते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास का कोला फ्रेंच फ्राई बर्गर, और गाइस हमारे पास हॉट डॉग का सेट, और ये सब चीजें हैं गाइस इरेजर और शार्पनर, मैं निकालता हूँ बॉक्स से और दिखाता हूँ क्या है चीजें ये सारी, तो ये देखो ये सारी, ये तो है फ्रेंच फ्राई, ये शार्पनर मिल जाता है दोस्तों इस सेट के अंदर, और इस सेट को केवल मैंने 40 रुपीज का परचेज किया, और एक बर्गर मिल जाता है दोस्तों, लुक में इरेजर मिल गया दोस्तों, और हॉट डॉग है, ये देखो हॉट डॉग है, ये भी इरेजर है दोस्तों, कोका कोला भी गाइस हमारे इरेजर है, और फ्रेंच फ्राई भी दोस्तों हमारे इरेजर है, तो ये सेट 40 रुपीज का परचेज किया हमने। तो चलो साइड रखते हैं। नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का ऑटोमेटिक शार्पनर दोस्तों, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, काफी अमेजिंग है दोस्तों, और ऑटोमेटिक कैसे वर्क करता है, इसके पीछे गाइस हमें बैटरी कंपार्टमेंट मिलती है, इसके अंदर बैटरी खुद सेल को लगाएंगे, फिर हम इससे इसके अंदर पेंसिल डालेंगे, फिर ऑटोमेटिक पेंसिल शार्प होने लगी, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो नोक तोड़ देता हूँ दोस्तों मैं, इसकी नोक देखो मैंने तोड़ दी बिल्कुल, इससे घुसा दूंगा और ये देखना ऑटोमेटिक घूमने लग गया, ये देखो और पेंसिल शार्प करने लग गया, ये देखो है ना, अरे ऑटोमेटिक पेंसिल शार्प कर रहा है, ये देखो
और फिर निकालूंगा, ये देखो पेंसिल शार्प हो गई, काफी गजब काफी सुंदर। ऑटोमेटिक शार्पनर भी मैंने 200 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। चलो इस साइड रखते हैं, और इसका गिव अवे चल रहा है एक वीडियो में, जाओ उस वीडियो को देखो और इसका गिव अवे जीत जाओ दोस्तों। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं यूनिकॉर्न का, ये मैकविन का शार्पनर दोस्तों। मैकविन का शार्पनर काफी प्यारा काफी सुंदर था दोस्तों, काफी अमेजिंग है। इस होल में दोस्तों पेंसिल घुसाएंगे और फिर जूस की मशीन की तरह चलाएंगे और फिर पेंसिल शार्प हो जाएगी, सारा कूड़ा इस ट्री के अंदर आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ गाइस, हमारे पास एक है काफी अमेजिंग काफी प्यारा से, ये देखो पेन काफी अमेजिंग, और इसमें काफी सारे रिफिल्स मिल जाते हैं, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और इस पेन से गाइस हम जब लिखेंगे ना तो हमारे हाथ भी दर्द नहीं होंगे दोस्तों, यानी हमारी उंगलियां दर्द नहीं होगी। काफी अमेजिंग है, केवल 20 रुपीज का परचेज किया इस वाले पेन को। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ गाइस, हमारे पास है एक नेक्स्ट पेंसिल है गाइस, हमारे पास स्टैंप वाली पेंसिल, ये देखो स्टैंप है, इसमें स्टंप मिल जाती है दोस्तों हमें, और अंदर पेंसिल मिल जाती है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। देख सकते हो स्टंप मिल गई और अंदर पेंसिल मिल गई दोस्तों, ये स्टंप वाली पेंसिल हमारे पास एक। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास डोरेमोन, तो डोरेमोन मिल गया इसके अंदर, और आगे ये इरेजर है गाइस, और अंदर गाइस हमें पेंसिल मिल जाती है दोस्तों, ये है डोरेमोन वाली पेंसिल। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये हेलीकॉप्टर दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर वाला पेन, और आपको अभी तो अभी नॉर्मल हेलीकॉप्टर लग रहा है, इसके पंखड़ी को खोलेंगे तो ये देखो चार पंखड़ियां मिलती है दोस्तों इसके अंदर, ये देखो चार पंखड़ियां मिल गई, और इसके गाइस स्टैंड को भी खोल लेंगे, ये देखो अब ये हेलीकॉप्टर रेडी हो गया दोस्तों। और ये हेलीकॉप्टर नहीं है दोस्तों, ये पैन है, वो कैसे, ये देखो अंदर पैन है, ये देखो है ना, काफी गजब काफी सुंदर था। इसे 70 रुपीज का परचेज किया इस हेलीकॉप्टर शार्पनर को, पेन को। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास गन वाली इरेजर, देखो दोस्तों गन लुक में काफी अमेजिंग, और ये है दोस्तों एक इरेजर, ये देखो कितनी गजब कितनी सुंदर सी है ये इरेजर दोस्तों, काफी प्यारी सी। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास कॉर्न वाला शार्पनर दोस्तों, ये देखो नीचे होल है और ये कॉर्न है, और ये देखो शार्पनर है, इसे 10 रुपीज का परचेज किया दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बियर, बियर है दोस्तों, और ये भी शार्पनर प्लस इरेजर है गाइस, ये देखो आगे इरेजर मिलता है, और इसके पीठ पे गाइस एक बैग लटका है जिसमें गाइस हमें शार्पनर मिल जाता है दोस्तों, और इस होल में अपना पेंसिल डालेंगे फिर साफ कर सकते हैं, और ये देखो दोस्तों शार्पनर काफी प्यारा है, यानी ये शार्पनर प्लस इरेजर सेट है, बियर लुक में काफी प्यारा सा दोस्तों, काफी गजब सा, केवल मैंने 20 रुपीज का परचेज किया। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये है पिंक कलर का यूनिकॉर्न का 10 रिफिल वाला पेन, और इससे पहले मैंने दिखाया था वो ब्लू कलर का था दोस्तों, देख सकते हो ये काफी अमेजिंग है, बॉय वाला पेन है, ये गर्ल वाला पेन है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास LOL वाली गाइस, ये पेन 10 रिफिल वाली पेन है, पीछे LOL की वो डॉल मिल जाती है, काफी अमेजिंग काफी सुंदर से दोस्तों। और इन तीनों पेन को मैंने 40 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों ऑफलाइन मार्केट से। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बैटमैन का ये इरेजर प्लस पेंसिल दोस्तों, ये देख सकते हो पेंसिल मिल गई, पुश एंड बैक वाली पेंसिल है, ये बैटमैन वाली पेंसिल दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास M4 यानी M4 वाले पेन दोस्तों, ये देख सकते हो M4 लुक में काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। M4 एक गन का नाम है दोस्तों, अगर आप लोग पबजी खेलते हो तो जरूर M4 जानते होगे दोस्तों, तो M4 लुक में एक पेन है दोस्तों, काफी अमेजिंग है, 40 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों मैंने इस पेन को। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ डायमंड वाला पेन, देखो दोस्तों हमारे पास है डायमंड वाला पेन जिसका प्राइस है 50 रुपीज गाइस, डायमंड लगा हुआ है आगे, काफी अमेजिंग है, काफी पिटी है गाइस देख सकते हो, और चलने में भी काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों ये पेन, तो डायमंड वाला पेन दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ गाइस हमारे पास है ये गन, ये गन है दोस्तों, ये भी है एक पेन दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी प्यारा सा, ये देख सकते हो आगे पेन मिल जाता है दोस्तों, और ये देखो गन काफी प्यारी सी काफी अमेजिंग। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न फर वाला पेन दोस्तों, फर वाला पेन कैसे है दोस्तों मैं निकालता हूँ बॉक्स से और दिखाता हूँ, ये फर वाला पेन, और सबसे अच्छी बात इसके फर देखो कितने सॉफ्ट है कितने अमेजिंग है, और जब भी हम वर्क करेंगे ना तो हमारी उंगलियां कभी भी दर्द नहीं होगी दोस्तों, और इसमें हमें काफी सारे रिफिल्स मिल जाते हैं, 6-7 रिफिल मिल जाते हैं, और पीछे यूनिकॉर्न मिल जाता है दोस्तों में, और देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये स्पाइडरमैन का पेन दोस्तों, पेन नहीं है ये पेंसिल है, देखने पेन है दोस्तों, और इसके पीछे दोस्तों हमें लाइट भी मिल जाती है, ये देखो लाइट जल रही है काफी अमेजिंग दोस्तों। एक है गाइस हमारे पास त्रिशूल वाला पेन दोस्तों, ये देखो त्रिशूल वाला पेन काफी अमेजिंग था, इसे भी मैंने 30 रुपीज का परचेज किया है, काफी प्यारा था। एक है गाइस हमारे पास डोरेमोन का शार्पनर, इसे 150 रुपीज का परचेज किया, इसके मुंह में घुसा देंगे हम पेंसिल को फिर शार्प करेंगे दोस्तों, काफी बड़ा शार्पनर है दोस्तों, काफी प्यारा था दोस्तों। और है गाइस हमारे पास एक बास्केटबॉल पेन, ये देखो दोस्तों बास्केटबॉल पेन है, काफी अमेजिंग काफी प्यारा, और इसे भी दोस्तों मैंने परचेज किया है केवल
30 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। और है गाइस हमारे पास बिल्कुल छोटा सा रैबिट वाला पैन दोस्तों, ये देखो रैबिट वाला पैन है। और ये इसमें देखो हमें कितने रिफिल, 1, 2, 3, 4 रिफिल मिल जाते हैं। रैबिट वाला पैन काफी गजब, काफी सुंदर सा। एक है गाइस हमारे पास ये देखो आइसक्रीम प्लस शार्पनर, आइसक्रीम में इरेजर है दोस्तों, ये देखो इरेजर है और पीछे हमें शार्पनर मिल जाते हैं दोस्तों, आइसक्रीम लुक में काफी अमेजिंग। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास लिपस्टिक, ये लिपस्टिक नहीं है दोस्तों, ये भी है एक इरेजर, ये देखो ये लिपस्टिक वाली इरेजर है गाइस हमारे पास। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये कंघा, ये कंघा नहीं है दोस्तों, ये भी है एक पेंसिल, काफी गजब काफी सुंदर सी। एक है गाइस हमारे, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये एलईडी लाइट वाली पेन दोस्तों, ये देख सकते हो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इसमें लाइट जलती है और लाइट ब्लिंक भी होती है और तरह तरह की लाइटें जलती है दोस्तों इसके अंदर। कलरफुल पेन है, काफी अमेजिंग है दोस्तों, जब भी हम इसे क्लास में ले जाएंगे ना तो सारे दोस्त हैरान हो जाएंगे इस पेन को देख के। और क्या हमारे पास, ये है गाइस हमारे पास कैरेट, और ये दोस्तों कैरेट नहीं है दोस्तों, ये है एक काफी प्यारा सा एक शार्पनर, देखो काफी गजब था। एक है गाइस हमारे हेलो किटी, और ये हेलो किटी नहीं है दोस्तों, ये भी है गाइस एक शार्पनर, देख सकते हो दोस्तों हेलो किटी वाला शार्पनर। और दोस्तों दिखाता हूँ, ये है गाइस पंपकिन, ये पंपकिन नहीं है दोस्तों, ये भी है एक शार्पनर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पंपकिन वाला शार्पनर काफी प्यारा काफी अमेजिंग था। और क्या है गाइस हमारे पास एक डॉल, और ये डॉल नहीं है दोस्तों, ये भी है डॉल वाला पेन, और इसके अंदर गाइस हमें डॉल मिल जाती है, काफी सुंदर काफी प्यारी से डॉल है देख सकते हो दोस्तों, और इसे भी मैंने 30 रुपीज का परचेज किया है, काफी प्यारा पेन है गाइस काफी सुंदर सा। और क्या है गाइस हमारे पास, ये है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का एक शार्पनर, ये देखो दोस्तों शार्पनर है काफी प्यारा था, इसके नाक में दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। एक है गाइस हमारे पास, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास पबजी इरेजर सेट, ये सारी चीजें है गाइस इसमें AWM मिल जाती है, हमें पिस्टल मिल जाती है, बाइनोकुलर मिल जाता है, बैग मिल जाता है, और इसमें हमें मिल जाता है दोस्तों ये एक पेन। तो ये सारी चीजें गाइस ये है इरेजर, आपको गेम दिखा दूं ठीक से दिखा दूं अंदर से, ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर बैग है, 3 लेवल का बैग मिलता है, और ये इरेजर है दोस्तों, ये हमें मिल जाता है, ऑयल हम देख सकते हो ये भी इरेजर है, पेन है, पेन भी इरेजर है दोस्तों, AWM मिल जाती है, ये भी इरेजर दोस्तों, काफी अमेजिंग है दोस्तों। इस सेट को केवल 50 रुपए परचेज किया है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये है सेंटा क्लॉज वाला एक पेन, देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर है, कितना अमेजिंग सेंटा क्लॉज बना हुआ, पीछे काफी प्यारा लग रहा है, काफी गुड लुकिंग है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बारहवीं वाला इरेजर सेट, इसमें बारहवीं की सारी चीजें हैं, बैग, पर्स और सैंडल, ये देखो ये चप्पल, टोपी, कंघा, सब कुछ है दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर, आपको दिखाऊं ये सारी चीजें हैं, ये देखो क्वालिटी काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है, 50 रुपए का सेट परचेज किया है। तो गाइज आज का था ये कलेक्शन, आपको सबसे अच्छा कौन सा शार्पनर, कौन सा इरेजर, कौन सा पेन या कौन सी पेंसिल लगी प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, अगर ज्यादा अच्छी लगी तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से टॉय अनबॉक्सिंग के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।